नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता सिन्हा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, छोटी बचत से छोटी छोटी बचत कैसे करके हम लोग एक बड़ा फायदा बना सकते हैं। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट है हमारे LIC का, मेरी गुल्लक पॉलिसी या माई पिगी बैंक पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं कि गुल्लक या पिगी बैंक जो होता है सबसे पुराना तरीका है, हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है, जिसमें हम लोग छोटी छोटी बचत करते हैं ताकि किसी विशेष जरूरत किसी परिस्थिति के आने पर हम लोग उसको यूज करके उस जरूरत के टाइम पे उसको यूज कर सकें, या किसी विशेष जरूरत के लिए हम लोग अलग 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 गुल्लक बना के रखते हैं, जैसे बच्चे की शादी के लिए, माँ की बीमारी के लिए, इसके इलाज के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए। ऐसा आपने देखा भी होगा, एक मूवी था मुझसे शादी करोगी, जिसमें सलमान खान ने अलग अलग 3 गुल्लक बना के रखे थे अपने भगवान के पास, वहां वो पैसे जमा करता था। तो ऐसे गुल्लक सबसे पुरानी हमारी एक प्रथा रही है पैसे बचाने की। तो लेकिन उस गुल्लक का पैसा होता क्या है, उस गुल्लक का पैसा कभी बढ़ नहीं सकता, वो जो आप डालोगे जो कदो वैसा ही वैसा रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए LIC ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें आप छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। ये गांव वाले भी कर सकते हैं, कोई मजदूर वर्ग का आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई भी, जिसकी गुल्लक जितनी बड़ी उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसी प्लान कर सकता है। यानी कि इसको आप हार्डली 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी, 10 रुपया, 20 रुपया, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, जितना आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ करता है या फिर आपका मेंटल स्टेटस या जितना आप करना चाहते हैं उतना आप इसमें जमा कर सकते हैं। और इसमें कैसे लाभ कितना गुना होगा, डबल ट्रिपल या फिर उससे ज्यादा, ये हम लोग देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा उदाहरण के थ्रू। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं मिस्टर विजय, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है और ये चाहते हैं प्रतिदिन 50 रुपए इजीली बचा सकते हैं। तो प्रतिदिन 50 रुपए की ये बचत करते हैं, यानी कि मंथली ये 1500 रुपए की बचत करते हैं, वार्षिक देखा जाए तो 18,000 रुपए मात्र इसकी बचत करते हैं। तो इतनी बचत में कितना अमाउंट इनका बनता है ये देखिए। अगर ये बचत ये 16 साल के लिए करते हैं दोस्तों, 16 साल के लिए मिस्टर विजय 50 रुपए अगर बचाते हैं तो वो टोटल बचा पाते हैं 2,80,000 रुपए, 2.8 लाख रुपए। यानी कि अगर हम वो गुल्लक में ये पैसा जमा करते तो उनका 2.8 लाख रुपए ही जमा होता, लेकिन चाहे वो कितने भी साल उसको रख लेते उतना ही रहता। लेकिन यही अगर LIC की इस पॉलिसी में, मेरी गुल्लक पॉलिसी में अगर ये इस योजना का लाभ लेते हैं, तो ये चीज अगर वो LIC की पॉलिसी में जमा करते हैं 50 रुपए हर दिन अगर जमा करना शुरू करते हैं, और 18,000 रुपए सालाना के हिसाब से 2,80,000 रुपए वो इसमें भी जमा करेंगे इस पॉलिसी में, उसके बाद 9 साल के लिए इनको कोई पैसा जमा नहीं करना, 9 साल तक वो LIC वो पैसा जमा करेगी, अपना कंट्रीब्यूशन देगी, अपना योगदान देगी। और यही पैसा 2.8 लाख रुपए जो पैसा है 2,80,000, ये 25वें साल में, 9 साल के जस्ट 9 साल के बाद 25वें साल में दोस्तों 9.7 लाख, यानी कि 9,70,000 रुपए का ये अमाउंट हो जाता है, जो कि आपका डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है अगर देखा जाए तो, ट्रिपल से भी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी गुल्लक में पैसा रखना है कि LIC की इस पॉलिसी में रखना है। अब इस पॉलिसी को ऐसा है कि ये आप 25 साल के लिए भी ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन है आप 16 साल के लिए भी ले सकते हैं, 21 साल के लिए भी ले सकते हैं या 25 साल के लिए भी ले सकते हैं। 16 साल के लिए अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 साल पैसा जमा करना है, अगर 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको सिर्फ 15 साल पैसा जमा करना है, अगर 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको 16 साल पैसा जमा करना है। उसके हिसाब से इसके रिटर्न्स बनेंगे। तो अगर आपने यही अमाउंट 50 रुपए का अमाउंट अगर 10 साल के लिए जमा किया तो आपने टोटल जमा किया 1,80,000 रुपए। यही अमाउंट अगर आपने 15 साल के लिए जमा किया तो आपने टोटल जमा किया 2.7 लाख रुपए, यानी कि 2,70,000 रुपए। यही अमाउंट जब आपने 16 साल के लिए जमा किया था तो आपने किया था 2.8 लाख रुपए। अब बना कितना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, इसको आप जरूर देखिएगा कि समय के साथ कितना डिफरेंस आता है। अगर यही पैसा आपने 16 साल बाद ले लिया अपना तो ये आपका अमाउंट बन जाता है 3.5 लाख रुपए। और यही पैसा अगर आप 21वें साल में लेते हैं, 15 साल जमा करके 21वें साल में लेते हैं, तो ये आपका बन जाता है 6.5 लाख रुपए। और यही पैसा जब आप 25वें साल में लेते हैं 16 साल जमा करके, तो ये पैसा बन जाता है आपका 9.7 लाख रुपए। यानी कि इसमें बन रहा है लगभग डबल, इसमें बन रहा है लगभग डबल से ढाई गुना, 3 गुना तक, इसमें 3 गुने से भी ज्यादा बन रहा है।
और आपका बजट अगर अलाउ करता है तो आपको अगर हर टाइम पे पैसे की जरूरत है तो आपने जैसे 50 रुपए 50 50 रुपए 10 साल के लिए जमा किया, 50 50 रुपए 15 साल के लिए, 50 50 रुपए आपने 16 साल के लिए जमा किया, यानी कि आप 150 रुपए 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर जमा करते हैं तो आप ये तीनों चीजों का लाभ एक साथ ले सकते हैं। तो देखिए, पैसा आपका है, बचत आपकी है, आप चाहे तो इसको पुराने कॉन्सेप्ट देखो, समय के साथ साथ इंसान मॉडिफाई होता है। पहले हम लोग के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, पहले पत्राचार चलता था, लेटर चलते थे, फिर आया भी तो कौन सा फोन आया, डब्बा फोन आया जिसमें पोस्ट ऑफिस में जाके फोन करना पड़ता था, जिसको हमने सिर्फ सुना है, देखा तो है नहीं मेरी एज के हिसाब से। फिर मैंने जो देखा है वो लैंडलाइन देखा, फिर मोबाइल देखा, मोबाइल में भी टच स्क्रीन देखा। तो समय के साथ साथ अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेडेशन से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो अभी भी आप चाहें तो पिगी बैंक में रख सकते हैं अपना पैसा जमा करके, उससे आपका बढ़ेगा कुछ नहीं, उतने का उतना पैसा रहेगा। और वही चीज अगर आप इस पॉलिसी में लगाते हैं तो आपका अमाउंट डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा, जो कि गारंटेड होता है LIC द्वारा, क्योंकि LIC बोनस डिक्लेयर करती है, इंटरेस्ट रेट नहीं। तो LIC की ग्रोथ के साथ साथ आपका जो बोनस रेट है वो बढ़ते रहता है और आपको एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है आगे चल के। ये सब पॉलिसीज जो होती है इसमें इंश्योरेंस कवर भी साथ साथ चलता है। अगर आप अपने गुल्लक में पैसा रखते हैं तो आपके ना रहने पर आपके परिवार को सिर्फ गुल्लक का पैसा ही मिलेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी में पैसा रखते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर साथ साथ चलेगा, आप जितना भी अमाउंट जमा कर रहे हैं उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवर साथ साथ आपका चलता रहेगा। तो आप अपना दिमाग यूज कीजिए कि आपको गुल्लक में पैसा रखना है या इस पॉलिसी में रखना है। आप अमाउंट जो है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, 10 रुपए 20 रुपए से लेकर जितना आप चाहें, कोई लिमिट नहीं है। बस आपका बजट अलाउ करना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल अंडररैटिंग अलाउ करनी चाहिए। तो अगर आपको इस पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो आज के आज ही अपने LIC एडवाइजर से मिलिए, उनसे कॉल कीजिए, उनको उनसे पूरी डिटेल लीजिए और इस पॉलिसी को कर डालिए। और अगर आपके पास कोई LIC एडवाइजर नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे जल्दी ही कॉन्टेक्ट करेगी और आपको इस पॉलिसी की डिटेल्स देगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द आपको मिल जाएं। और इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू।